हे गणेश देव, आज हमारी रक्षा करना शुभ काम में आपको ही पहले पूज रहे हैं और हम एक ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं दोस्तों आज, जो मेरे साथ है राज तनवार, है ना भाई, कैलाश माली और आपका नाम देखो। तो ये जो लोग हैं दोस्तों, और राज भाई तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कैलाश भाई मेरे साथ जो है कैमरामैन आ चुका है। और एक दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ हम जा रहे हैं पहले मैं सुनाता हूँ आपको जहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं। तो राज भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कोरवा विलेज। थोड़ा डर जैसा फील क्यों कर रहा है? जो बोलो खुल के बोलो, नहीं इतना क्या है कि पेंटर वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। और वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले भी थोड़ा कांड हो चुका था, कैलाश को पता है वो कांड। क्या कांड हुआ कैलाश भाई? वहाँ पे ना जो अपने फैमिली थे, एक कमेटी कास्ट के थे, तो छोटा बच्चा माँ के पास सो रहा था, तो पेंथर आया, ठीक है, और उसे टोक कर लेके चला गया रात को। तो फिर बच्चा मर गया था? बिल्कुल मर गया था, उसकी गर्दन कटी हुई मिली थी, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर। अच्छा, वो शरीर कहाँ पड़ा था? शरीर तो था नहीं, खाली गर्दन मिली और छोटे मोटे ये फिंगर विंगर वगैरह। तो दोस्तों हम आज लोकेशन जो विजिट करना चाह रहे हैं वो है टॉप मोस्ट जय सम्बन्ध रोड है राजस्थान की, राजस्थान के अंदर जय सम्बन्ध रोड दोस्तों, जो काफ़ी खतरनाक है। लोकल रोड भी है लेकिन दोस्तों काफ़ी खतरनाक बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर हम जो है लोकल नाइट कार ड्राइव कर रहे हैं और रोड विजिट करेंगे। हाँ, और रोड को विजिट कर ही रहे हैं। राज भाई तो है मेरे साथ परमानेंट है, क्योंकि दोस्तों चाहिए रात को जंगलों में का काम है तो साथी तो चाहिए, साथ बिना क्या काम होगा, है ना भाई। और कैलाश भाई हमारे कैमरामैन हो चुके हैं, ये है मेरे करीब गांव से आसपास ही लेकिन जुड़े हैं, तो इनका ही साथ ऐसा ये सीन हुआ है इनके रूट पे ही, तो पूरा ये शूट ले रहे हैं और चलते हैं, अब आपको रोड दिखाते हैं, ठीक है। चला है? चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज भाई ये आप बोलिए, आप पकड़ लो। दोस्तों हॉन्टेड रोड चालू हो चुकी है और सारे लोग जो है कार के अंदर बैठे हुए हैं, सब भगवान को याद कर रहे हैं, राज भाई याद कर रहे हैं अपने इष्ट बल को, मैं भी मेरे इष्ट बल को याद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ नई टीम है और ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो, कि कोई चमके नहीं वगैरह, तो कोई एकदम कोई छलावा भी हो तो देखो किसी के साथ अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे बोल देना, मैं गाड़ी रोक दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों आज सारे लोग नए हैं और ये रियलिटी घटना है, पैंथर ने एक बच्ची गर्दन काट कर 4 किलोमीटर दूरी में फेंक रखी थी और उसका धड़ अलग था और पता नहीं कपड़े अलग थे, उंगलियां अलग पड़ी थी और डरावनी रोड भी है, इसी रोड में आगे बढ़ रहे हैं। चले राज भाई, आप इतना घबरा मत राज भाई यार, है ना, रोड भी कच्चा है यार, है ना, काफी खतरनाक रोड है। आप सभी लोगों में से किसी को हनुमान चालीसा आती है राज भाई? अरे राज भाई यार आपकी सांसें रुक गई यार, बोलो नहीं यार, क्या सांस को नहीं चल रही आपकी यार? आती है। आती तो है। कितनी आती है अंदर? थोड़ी बहुत आती है। तो आप डर क्यों रहे हो? आप अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो फिर आप इतना घबरा रहे हो यार, क्या ऐसे थोड़ी कोई चीज अपने अंदर आके घुस रही है या कार तोड़ कर कहीं चीज अंदर घुस कर अपने हमला करती हो, जैसा क्या कर रहे हो यार? भाई इस पेड़ का रूप देखो, पेड़ का रंग देखो, पेड़ का एक अलग ही आकार बना हुआ है ना, जैसे लगता है कोई मतलब खून से लथपथ पूरा पेड़ खड़ा हुआ है ना, क्या बात है यार। राज भाई इस साइड मतलब मकान भी है कि नहीं? इतने ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है तो मतलब यूं इलाका खराब है ना? बहुत ज्यादा खराब है, ज्यादा यार। गाड़ी की लाइट भी नीचे क्यों पड़ रही है इस रोड पे यार? कोई दिक्कत नहीं है, देखो रोड पर कोई लूटपाट हो, कोई पत्थर फेंके तो सब सारे नीचे झुक जाना है ना। बेबा भाई आप भी झुक जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, गाड़ी में नहीं रुकूंगा, गाड़ी कम से कम देख लो कि अगर 120 की स्पीड चलेगी फिर तो, अगर कोई हमला होगा ऊपर तो। राज भाई आपकी विंडो उतार, देखो कैसे हवा जा रही बाहर, बाहर बताओ कैसी हवा जा रही। नहीं हवा सुनो एक बार, कैमरा झपट लेगा,
वाली जगह है यार, ये वाइट वाइट बड़ा, मैं डर गया यार भैया। राज भाई ये वाइट वाइट नहीं पत्थर? हाँ लगा है, मैंने कहा कौन बैठा हुआ है। क्या कहना चाहते हो? मुझे कहना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ से और 1 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ यू भाई, कुछ दिखा क्या? दिखा नहीं यार, मतलब ये क्यों जंगल से यूँ एकदम आवाज़ें आ रही है, जिसका मतलब अलग ही फील हो रहा है। क्योंकि मैं तो देखो हैपिड में हूँ, आप लोग नए हो इसलिए ना। हाँ बताते क्या आप, मतलब अभी आगे वो ज़्यादा हो सकता है, फिर अभी आगे तो कुछ ही नहीं है, जो होगा तो देखा जाएगा। दोस्तों ये हमारा एक हॉन्टेड व्लॉग है, हम इस पर कोई भी ऐसी चीज़ पे अंधविश्वास वाली बात नहीं करेंगे, जो रियलिटी है उसी पे बात करेंगे, जो घटना है वही बात करेंगे। चाहो तो मुझे एक्सप्लोर करके आप इस रोड पर आकर मुझे साथ में लेकर इसका प्रूफ कर सकते हो। राज भाई सही ना, चलाएंगे अकेले मत आना कभी। देखो राज भैया, मैं तो जब सोच लेता हूँ कि अगर मौत हथेली पे ले लेता हूँ तो फिर मैं निकलता हूँ, तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि होगा क्या आगे पीछे। चलो भाई जो होगा जाएगा। दोस्तों हम जैसे ही आगे जाके आए थे, काफ़ी ख़तरनाक इलाका है, और गाड़ी घुमा कर लाए हम फिर से। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी घुमाई उसके बाद हमने रोकी गाड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर पूछते हैं आपका नाम क्या है? उदयलाल जी। उदयलाल जी पीछे क्या लगाते आप? गमेती। उदयलाल जी गमेती, जो यहाँ पर जो आपने आप मैंने बताया था पैंथर वाला जो सीन हुआ था, एक बच्चे को खा गया था। उदयलाल जी यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा घटना क्या हो गई जो बच्चे को पैंथर खा गया, मतलब ऐसा क्या सीन हुआ है? एक बार कैसे हुआ गया, मतलब वो चित्रो ले गया सॉरी। अच्छा लड़की थी वो? लड़को। लड़का मर गया था वो? ओ ले गया, खाई गया। तो फिर इसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं इस बात पर? कार्रवाई हुई। तो फिर क्या पता चला? वो मैं पैंथर को पकड़ कर ले गया। अच्छा पैंथर को पकड़ा था यहाँ से? हाँ। कोई जैसे उनके घर वालों को कोई सरकार ने कोई मुआवजा दिया क्या, पैसे वैसे वगैरह दिए थे? चलो ये तो बड़ी बात है यार, मुआवजा भी दिया ठीक है। अब देखो मैं जैसे इस गाँव के अंदर आया हूँ, चारों तरफ अंधेरा ठीक है, अंधेरा, तो आप लगभग क्या करते हो आप बच्चे को, जैसे कि कांड होने के बाद ये जो इतना बड़ा घटना हो गई उसके बाद बच्चे को क्या करते हो आप, साथ में सुलाते हो या फिर छत पे सोते वगैरह? नहीं घर में, घर के अंदर ही। अच्छा ठीक है, और आपके हिसाब से क्या आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब ये सुविधा हो जाए आपको ऐसा को लग रहा है क्या? हाँ ये बढ़िया सुविधा है। क्या सुविधा चाहिए आपको इस गांव के अंदर? रोड लाइट है, एक रोड लाइट चाहिए आपको। जैसे आ, आप रात को दोस्तों देखो थोड़ा कैमरा आगे आ जाना ठीक है, ज़्यादा पीछे मत रहना। दोस्तों देखो ये गरीब इंसान किसान भाई हैं, तो ये जॉब करते हैं, देखो एक पेट पालते हैं अपने बच्चों के लिए, और रात को आते हैं अकेले। अब देखो मजदूरी करनी पड़ती है तो रात दिन देखा नहीं जाता है, तो अकेले आते हैं हाईवे से, और अंधेरा जो रहता है काफ़ी रात को, और अकेला आना और पैंथर से सामना करना, चोर डकैती वगैरह से सामना करना, तो देखो काफ़ी यहाँ पर अंधेरा है। हम जल्दी आए हैं, आपको दिखाया भी है, तो लाइट की व्यवस्था चाहिए इनको। और यहाँ पर जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर कोशिश करेंगे इस गांव के अंदर लाइट भी हो, क्योंकि तो इनके ही जो एक जाति के अंदर जो एक बच्चे की मौत भी हो गई, पैंथर खा गया। तो उदयलाल जी और क्या कहना चाहते हो आप, आपके मन में और कैसी तमन्ना है, जैसे कि आपको क्या लग रहा होगा ऐसा? देखो मेरा मन ये है कि आपके दिल के अंदर जो डर जल्दी जो डर जैसे कोई फील हो, डर जैसे मतलब कोई रात को अंधेरा, और कोई इस चीज़ पर बताओ मुझे। और तो कहीं है ये मतलब हाफ ले आती है अरे तो जानवर तो वैसे आते हैं, जानवर का कोई नहीं रोक सकते, साथ अगर देखो बारिश का मौसम ही आते हैं, तो इससे तो सेफ्टी है, बच्चों का ध्यान रखना है आपको। गेट होते हैं आपके, गेट के जो दीवार वो कपड़े लगाना ठीक है ना, ठीक है वो आप सुविधा रखना। बाकी और कोई ऐसी कोई चीज़ का पैंथर चोर डकैती का कोई चोर वगैरह कोई लूटपाट अगर आप अकेले आते हो ऐसा कोई तो नहीं? ये सर नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं थी? हाँ तक नहीं हुआ। ठीक है चलो, बस यही पूछना चाहते हो उदयलाल जी, आपने टाइम दिया। हाँ। तो दोस्तों देखो हम निकलते हैं यहाँ से, और इनसे बात करी और जो ये घटना बताई आपको रियल बता दिए, जो आपको लगे वास्तव में ये घटना सच है। ठीक है उदयलाल जी, हम चलते हैं। ठीक है हाँ। चलो
भैया चले क्या, मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज घर चलते हैं, प्लीज मेरी बात जाओ, प्लीज प्लीज मत जाओ प्लीज। अरे वो देखो ऐसा है तो तू यार आया मत कर यार भाई मेरे, यार मुझे नहीं पता था इतना डर लगेगा मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर दोस्तों, चलो हम मेरे साथ, मैं फर्स्ट बार मैं इनके साथ भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज डर लगेगा इनको, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, माफ करना वीडियो एंड कर रहे हैं, काफ़ी डरावना माहौल है और नए भाई साथ में है तो इनको डर लग रहा है। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और इसी रोड को विजिट करते हैं। जय हिंद जय भारत, आइए अंदर बेटा, आपको दिक्कत नहीं।